somebody out there said I'm working harder than you. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। तो आज से मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको अपना डेली वर्कआउट दिखाया करूंगा एंड आई विल ट्राई टू बी यू नो डिसिप्लिन विद अपलोडिंग माई वीडियोज एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर दिन अपनी एक यूट्यूब पर वीडियो डालूं। तो आप प्लीज देखना, अगर आप बिगनर हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, मेरा जितना एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का मैं वो सारा शेयर करूंगा एंड वो दिखाऊंगा। वैसे तो मैं बाइक से जाता हूँ क्योंकि जिम मैंने चेंज किया, थोड़ा दूर है, बट आज गाड़ी से जा रहा हूँ क्योंकि ठंड भी थोड़ी ज्यादा है एंड यू नो लाइक आज पहली यार सीरीज का पहला वीडियो है तो थोड़ा मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाएगा। एंड एक मिनट, ये देखो, ये देखो, हुश साले हुश, दिख रही है लाइट है उसके बाद भी साले। सही में यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ना यार गाड़ी मतलब दे क्यों रहे हो भाई, जब नहीं चलानी आती कुछ है क्यों भाई, क्यों चलानी है। ओके चलो एंड मैंने ना कुछ अपग्रेड किया है, वो है माइक। तो अब मैं माइक, मैं इसका काफी टाइम से इंतजार कर रहा था भाई कि भाई माइक होगा, मैं अपने वर्कआउट शेयर करा करूंगा क्योंकि यार जिम में ना म्यूजिक वगैरह रहता है तो वो दिखता है। अब मैं क्या है वहाँ पे कॉलर माइक है, आराम से लगाऊंगा एंड मस्त वीडियो आएंगी ऑडियो के साथ, बोल भी पाऊंगा कि भैया क्या एक्सरसाइज चल रही है, कैसे रहता है, क्या क्या चीजें हैं, तो सारी चीजें ए टू जेड एंड बहुत रॉ रखूंगा। कुछ इसमें इस फालतू की एडिटिंग नहीं की टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ है, सीधे लिया अपलोड फाट फाट फाट। बस आपका सपोर्ट चाहिए होगा कि भाई लाइक शेयर कमेंट करो, इंगेज करो, वीडियो देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। एंड मैं अभी कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ में मतलब थंब में मेरे चोट है, ये टेंडन की है एंड काफ़ी टाइम से हो गया एंड लोअर बैक में है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वेट वगैरह हो रहा है। अभी मैं पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ जैसे करनी चाहिए कॉम्पिटिशन की, एंड कॉम्पिटिशन भी आ रहे हैं तो बट आई एम नॉट प्लेइंग, तो वो ख़त्म। इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा कि चोट वगैरह का, बिकॉज बार बार सेम चीज़ बात करके कोई पॉइंट नहीं है। तो ये है, बाकी अभी जिम पहुँच रहे हैं एंड बाकी अब जिम के अंदर दिखाते हैं, लेट्स गो। वैसे लोग मोस्टली मंडे को चेस्ट वगैरह करते हैं बट मैं लेग्स करता हूँ, नॉट बिकॉज कि भाई एक तो इक्विपमेंट्स तो खाली मिलते हैं, दूसरा क्या होता है ना, मंडे को आप आते हो संडे से पूरा रेस्ट लेके, एंड आजकल जो ट्रेंड भी नहीं चल रहा है कोई बी के एल ही होगा जो मंडे को चेस्ट करता होगा वही वाला सीन है। बाकी मेरे वार्म अप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जब से पावर लिफ्टिंग खत्म हुई तो मैं अभी लेग्स और शोल्डर साथ में करता हूँ। तो पावर लिफ्टिंग में तो भाई रैंडम कुछ भी चलता था, बिकॉज 3-4 दिन बेंच रहती थी, हफ्ते में 5 दिन का वर्कआउट रहता था, तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। बाकी लेग्स का भी वार्म अप काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो भूलना नहीं है। अभी मैं टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ तो लेट्स सी कि वॉइस कैसी आती है, बाकी देखते हैं, लेट्स गो। ये मेरा फेवरेट वार्म अप है लेग डे पर, अगर आप कर रहे हो तो इसको बोलते हैं कैटल बेल शिफ्ट। एंड इसके आपको क्या कर रहे हैं, आपको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना होगा। आप डंबल, कैटल बेल या प्लेट कुछ भी ले सकते हैं एंड ऐसे करके होल्ड करना होता है। आप इसके 5 रेप्स कर सकते हो, मैंने भी अब करके आपको 3 दिखा रहा हूँ विच इज़ वेरी गुड। एंड सिमिलरली अब आपको दूसरे लेग पर शिफ्ट करना होगा, या आपके हिप्स ओपन कर देगा पूरा ग्लूट्स अच्छे से, आपके ग्रॉइन एरिया में अच्छा करके आपको लोड आएगा तो ऐसे करके आप फिनिश कर सकते हैं। एंड अगर आप डेली कर रहे हैं तो अभी कोई इशू नहीं है, बट लेग डे पे ज़रूर। हमेशा जब भी आप ना पहले सेट स्टार्ट करो तो आपको क्या करना होगा, आपको ना एम्प्टी बार से करना होगा। नो मैटर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप बेंच कर रहे हो या स्क्वाट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट इससे क्या होता है ना आपका वार्म अप हो जाता है एंड बॉडी ना एकदम से लोड नहीं लेती है, तो इट विल बी प्रिपेयर्ड एंड आप स्लोली स्लोली करके आप पहुँच सकते हो। और आप ट्राई करो कि जब भी आप स्क्वाट करो तो उसमें ना बेसिकली या तो आप मतलब नंगे पैर करो या फिर आप फ्लैट शूज़ पहन के करो, ठीक है। कुछ आते हैं स्क्वाट शूज़ वगैरह, वो बॉडी टू बॉडी मतलब मैटर करता है, अगर आप कोई पावर लिफ्टिंग गेम खेल रहे हो या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो अलग बात है, बट नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस के लिए जा रहे हो और स्क्वाट कर रहे हो या लेग डे कर रहे हो तो उसमें आप प्लीज़ प्रेफर करा करो नंगे पैर या फिर फ्लैट शूज़, क्योंकि स्पोर्ट शूज़ जो डिज़ाइन है वो बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं, फोम लगी होती है, तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल कि अगर आप नंगे पैर करोगे या फ्लैट शूज़ में करोगे। सबसे कर रहा हूँ भाई वेट उठा कर लेके आना और रख कर आना, बट अगर आप लिफ्ट कर सकते हो तो आप भाई अनरैक भी कर सकते हो, रिलैक भी कर सकते हो। तो एक वार्म अप हो गया, एक्चुअली 2 वार्म अप हो गए, अब तीसरा है ये 110 से R135 टॉप सेट। दो रैप इजी बॉय, चलो शाबाश।
टॉप सेट है, दो रैप है, 135 के एक नंबर आएगा। चलो लेट्स गो बॉय। ये दिन आ गए कि भाई 135 पर भी नी स्लीव्स पहननी पड़ रही है, वो भी दो रैप के लिए हैं। कोई बात नहीं, बट एक बात बतानी थी कि भाई स्ट्रेंथ आती जाती रहेगी, आपको मेहनत करना है एंड हम कमबैक करेंगे तगड़ा। चलो शाबाश इजी बॉय। तो दो बैक ऑफ सेट हैं 110 केजी से, एंड ये सेकेंड बैक ऑफ है। फर्स्ट वाला हो गया, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, एंड साथ ही साथ इसमें टोटल 5 रैप्स दूंगा, एंड पिछले वाले में 5 रैप्स ही लिए थे। वैसे मैं लेग एक्सटेंशन लेता हूँ, बट पता नहीं मुझे यहाँ का ना लेग प्रेस ट्राई करनी थी, क्योंकि जिम चेंज किया मैंने, तो मैं सिंगल लेग लूंगा थोड़ा हाई रख के। लेट्स सी ये हिलेगा नहीं हिलेगा। शाबाश, वेट थोड़ा ज्यादा है, 10-10 किलो कम किया है दोनों साइड से, क्योंकि अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। वेरी गुड, मेरा है। अबे यार राइट लेग से ऐसा लग रहा बहुत इजी है। सिक्स सेवन एट टेन, अच्छा था, बढ़िया रहा। इस वाले सेट में तगड़ा करके पुश करेंगे, ठीक है। शाबाश बेटे, वेरी गुड, शाबाश। राइट लेग यार मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, मे बी इंजरी भी उसी साइड मतलब पेन करता है, इस वजह से लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा लेफ्ट लेग में वीकनेस है। सिंगल लेग करना बड़ा मजा आएगा। अब आप इस मशीन को देखो, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आई थी, थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट चल रहा है क्योंकि अभी ये सेकेंड टाइम ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेग कर लिए, तो आप देखो जैसे रखा हमने, और ये ना आपके जो बैक रहेगा ना, ये बढ़िया मतलब इतनी अच्छी डिज़ाइन की है, आपकी मूव करेगी तो लोअर बैक में दिक्कत ही नहीं है, आप कोई सी एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो आपके लेग कर्ल हो गए, कंट्रोल करो, ज़रूरत नहीं है बिल्कुल हैवी वेट की, कंट्रोल मारो ऐसे मतलब ना बेहतरीन, मतलब पर मैंने कह ही नहीं रहा मैं कि बहुत हैवी जाओ, उसको अगर कंट्रोल करके मारोगे ना आप हैवी जा ही नहीं पाओगे। मतलब हैमस्ट्रिंग में ना फील आना चाहिए कि भाई हो रहा है कुछ, आज तो मजा ही आ गया। शाबाश बेटे, मैं रैप भूल गया हूँ, बातों के चक्कर में कितने हैं।
अब करते रहो जितने हो रहे हैं। शाश शबाश बेटे चलो भाई बल्गेरियन मारते हैं। और भैया जो जो करता है उसको बता कि व्हाट इज बल्गेरियन। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना। फाइव इजी बॉय चल सिक्स सेवन एट नाइन इजी बॉय टेन इलेवन टेन। टाइम ले लो रिसेट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी नहीं है किसी बात की। नहीं भाई ये मैंने करा भी नहीं था। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन फोर्थ एक्सरसाइज थी। शाबाश। काफ़ बाद में करूँगा, अभी पहले शोल्डर का वार्म लेते रहते हैं थोड़ा सा। शोल्डर प्रेस मुझे ना ये जो डंबल पकड़ने में ना ऐसे घुमाने में ना ऐसे करना पड़ता है, उसको घुमा के ऐसे रखना पड़ता है ना, तो उसमें पेन है, तो इसलिए देखते हैं कि कितना वेट आता है। देख रहे हो क्या सारा स्मोक, ये मेहनत है भाई मेहनत। लेट्स गो बेबी लेट्स गो 25 इजी बॉय। चलो बेटे हमेशा ना जिस बेंच पे ना ऐसे सपोर्ट हो ना इंक्लाइन करके उस पे करा करो, क्योंकि आपकी इस पे ना फिर लोअर बैक पे लोड नहीं आता है। सो इफ यू हैव इंक्लाइन बेंच उसको इस एंगल पर रखा शुरू किया। आप चाहे ढाई से करो या एक किलो से करो, साइड रेजेस में फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ना बोल जाओ अब ऐसे ऐसे तो कोई भी कर लेगा, ये वाले करो
चल 10 करो बट प्रॉपर होने चाहिए। देखो तीसरा सेट भी 7.5 से है तो सेम ही रहा, मैंने तीनों में वेट सेम रखा है। लास्ट सेट है, तीसरा सेट है ये, सेकंड वाले की वीडियो नहीं बनाई थी। ड्रॉप मार लो, फास्ट खेलो। फोर फाइव, बहुत सोल था भाई, बहुत सोल। एक और ड्रॉप, ढाई ढाई से इसमें मार दो रैप्स। ये शोल्डर की मैं लास्ट कर रहा हूँ, तीसरी साइड, तीसरी एक्सरसाइज है, बिकॉज मैं रियर ड्रिल्स बैक के साथ करता हूँ। इसके बाद काफ्स लेंगे मोस्टली, दो मोस्ट प्रोबेबली दो एक्सरसाइज एंड फिर फिनिश करेंगे। शरक्स है, थोड़ी सी वाइड लेता हूँ, आगे गए, थोड़ा सा बैंड हुए, होल्ड। कफ प्रेस करेंगे, वेट आपकी मर्जी है, ज्यादा करना है कर लो बट कंट्रोल करोगे ज्यादा बेहतर है। लाइट जा चुकी है जिम की और म्यूजिक भी बंद हो गया, सबसे सुकून की चीज। इसमें भी ना यार, काफ्स में भी क्या है, आप वेट को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो बट आप हैंडल कर पाओ, इतना वेट लो ओवर मत करो, मतलब एटलीस्ट लोड आना चाहिए। अगर लोड ही नहीं आ रहा है, इनका मोशन ही नहीं है, आप फट 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 मारो, कोई पॉइंट ही नहीं है। एटलीस्ट कर रहे हो तो प्रॉपरली करो। मजा आ गया, एक नंबर। ये रही डंबल सीटेड काफ रेजेस, यहाँ मशीन नहीं है तो आ जा, यहाँ मशीन नहीं है तो जुगाड़ करना पड़ रहा है ऐसे डंबल से ना। काफी इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें मशीन पे भी कर सकते हो, बाहर रख के डंबल से भी कर लो, अगर मशीन है तो मशीन से करो। लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद साइकिलिंग थोड़ी देर और फिर स्ट्रेचिंग करके निकलेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, नहीं। एनी सॉर्ट ऑफ कार्डियो आफ्टर द वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब मैं लेग डे रहता है तो उसके बाद मैं ज़रूरी ज़रूर साइकिलिंग करता हूँ, बिकॉज साइकिल से मेरा ना मतलब बॉडी कूल डाउन होती है एंड एनर्जी मेरी रिस्टोर होती है। अभी जैसे मैं स्ट्रेचिंग दिखाऊंगा ना आपको, तो पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेज भी बहुत ज़्यादा आपके मतलब नेसेसरी हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो काफ़ी दिक्कत होगी। एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेज में बेसिकली क्या रहता है कि आपकी बॉडी एक तो एनर्जी रिस्टोर होता है, बॉडी कूल डाउन होती है, थर्ड आपकी बॉडी से ना लैक्टिक एसिड को एलिमिनेट करता है जिससे आपको मसल फटीग
एंड मतलब मसल सोरनेस बढ़ती है, तो वो आपको कंट्रोल करेगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। लाइट चली गई यार, पोजिंग करनी थी थोड़ी सी, पोजिंग रह गई। बता ना आपको भी वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, सारी चीज़ें अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो देखते हैं, क्योंकि गाने यार बहुत लाउड हैं, इसमें डी नॉइज़र भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। भाई अपनी टॉवल बहुत ज़रूरी लाया करो यार, बहुत ज़रूरी है, दूसरे का स्वेट कोई लोगे यार अपने ऊपर, तो इसलिए टॉवल भी ज़रूर कैरी करो। कुछ चीज़ें हैं लोग भूल जाते हैं, बट फिर भी मैं याद दिला दूँगा। भाई स्टोरेज फुल हो गया था, अभी थोड़ा सा डिलीट किया तो स्ट्रेचिंग का लास्ट का रह गया था, स्ट्रेचिंग ज़रूर करना, और मैं आई बटन पर लिंक डाल दूँगा आपको। बाकी फुल वर्कआउट और मैं पोजिंग दिखाता, बट ना लाइट नहीं है तो दिखेगा नहीं, तो अभी निकलते हैं, बाकी अभी आपको गाड़ी मिलते हैं, सी यू बाय। तो भाई वर्कआउट रहा तगड़ा, ठीक है, स्ट्रेचिंग इज द की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, अगर आप कितनी भी मसल्स बना लो, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो नो पॉइंट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ भाई, मान लो इस बात को, स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेग्स के बाद ना मान के चलो, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो कौन कौन रिलेट करता है जरूर बताना, क्यों है जब पैर ना ऐसे कांपते हैं ना, अगर आप जैसे क्लच पे हो भाई, अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, ऑटोमेटिक नहीं, तो उसमें भाई आपके पैर ऐसे कांपेंगे ना लिटरली, मतलब सोच नहीं सकते आप कि क्या हो रहा है, ऐसे पैर ऐसे हिलते रहेंगे, क्लच पे तो ऐसे दबा के रख ही नहीं सकते आप। वैसे मैं वर्कआउट ना मॉर्निंग में जाता था, बट अभी यार काम की वजह से और टाइम नहीं मिल रहा ना, तो इस वजह से शाम में जाना पड़ रहा है, तभी मैंने जिम स्विच किया है, बिकॉज जो पहले वाला जिम था ना वो 9 बजे तक बंद हो जाता था, एंड ये वाला ओपन रहता है 10 बजे तक, 10:05 तक, तो दिक्कत नहीं होती है, तो इस वजह से। बाकी यार मैं देखता हूँ यार वॉइस वगैरह कैसी आई है, क्योंकि ना यार साउंड काफ़ी ज़्यादा था, मैंने डिनोइज़र लगाया है जो भी है, तो देखते हैं कि साउंड कैसी है, कुछ भी होगा तो मैं डब करेंगे क्या करेंगे देखते हैं, बट आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड ऐसे मैं ना बनाते रहूँगा, सीरीज़ पूरी आती रहेगी, एटलीस्ट एक महीना मान के चलो, करना ही करना है, एंड ये खुद के लिए चैलेंज है, तो ये आपको मिलती रहेंगी, एंड मंडे इज़ यस लेग डे। चलो बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, खुदा हाफिज़।